नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रेनबो पे। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देने के लिए हमारा राफेल उड़कर भारत के पास आ गया है और इसी के साथ एयर स्पेस में भारत की ताकत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल विमानों की पहली खेप आज अम्बाला के एयरफोर्स बेस में पहुँच गई है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल भारत की सैन्य ताकत को मजबूती प्रदान करेगा। राफेल के साथ भारतीय सियासी गलियारों में विवाद भी ढेर सारे थे, लेकिन फाइनली राफेल भारत आ गया है। तो चलिए आपको सियासी विवादों के साथ राफेल की ताकत के बारे में भी बताते हैं। भारतीय वायुसेना के जरूरतों के मद्देनजर राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की पहल सबसे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने की थी। साल 2007 में एयरफोर्स ने सरकार के पास मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने का टेंडर जारी किया था। टेंडर में सबसे कम कीमत पर राफेल ने बोली लगाई थी। मनमोहन सिंह सरकार लड़ाकू विमान खरीदना चाह रही थी, लेकिन उसके लिए चल रही बातचीत कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। यूपीए के दौरान 18 राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदा जाना था, जबकि बाकी 108 विमानों को भारत में ही निर्माण के लिए बातचीत चल रही थी। 2014 के आम चुनाव में यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हो गई और उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 23 सितंबर 2016 को फ्रांस की सरकार के साथ 59,000 करोड़ रुपए में हथियारों से सुसज्जित 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील फाइनल हुई। राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस आज भी लगाती है। विवादों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं राफेल की ताकत की। राफेल आधुनिक जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना में एक तरह से बड़ा बदलाव लाएगा। इस विमान में 24,500 किलोग्राम का भार ढोने की क्षमता है। राफेल विमान को फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया है, जिसमें भारत की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। भारत को जो राफेल मिला है उसका टेल नंबर RB-001 है। यह 2 इंजन का लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। इस विमान की खासियत है कि यह घातक हथियारों से लैस है जो जमीन से हवा में मारने में सक्षम है। और सबसे खास बात यह है कि राफेल जेट की स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की है।